नवरात्रि की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विक्रमादित्य कॉलेज में शारदीय नवरात्र के अवसर पर एक दिवसीय विक्रमादित्य शक्ति उत्सव 2022 गरबा में कॉलेज के प्रधान अध्यापकों, प्रशिक्षित विद्यार्थियों ने गरिमामय गरबा कर आमंत्रित अतिथियों और विद्यार्थियों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, अतिथि रातीबड़ SI सुश्री सलोनी सिंह, संस्था डायरेक्टर दीपिका नारोलिया ने माँ भगवती की आरती की। किशन सूर्यवंशी ने सभी विद्यार्थियों को नवरात्र की शुभकामना दी, उनका उत्साह वर्धन के लिए गरबा भी किया। डायरेक्टर डॉक्टर दीपिका नारोलिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस समय पूरे देश में भक्ति पर्व मनाया जा रहा है। मां भवानी से प्रार्थना है कि युवाओं को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। गरबा शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है। हमें अपनी भारतीय संस्कृति और त्योहारों पर गर्व होना चाहिए। विद्यार्थियों को नवरात्रि की बधाई के साथ भावी जीवन में हर्षोल्लास भरा रहे, इसके लिए भक्ति माँ शक्ति से प्रार्थना की। गरबा महोत्सव में विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन के लिए प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। बेस्ट कॉस्ट्यूम मेल के लिए अनुज, फीमेल के लिए पलक को दिया गया। बेस्ट एनर्जेटिक डांस के लिए मेल में वैभव, फीमेल में प्रियंका ने प्रथम स्थान किया। बेस्ट ग्रुप में प्रथम सृष्टि एंड ग्रुप, द्वितीय स्थान पर चारों एंड ग्रुप को पुरस्कृत किया गया। इस तरह से तमाम लोग मौजूद रहे। सर, आज विक्रमादित्य शक्ति उत्सव में आपने गरबा की थीम पे बहुत बढ़िया नृत्य करा और हमारे धार्मिक जो परंपरा उसका निर्वाह किया, क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? शक्ति और उपासना के पर्व नवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पहले मैं विक्रमादित्य परिवार द्वारा संस्कृति को रक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए जिस प्रकार से आज यहाँ गरबा का आयोजन किया गया है, मैं आदरणीय डायरेक्टर भाभी दीपिका नारोलिया जी को बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे टीम पर यहाँ पर गरबा महोत्सव का कार्यक्रम रखा और सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। सर, जिस प्रकार आपका डांडिया देखने को मिला, ऐसा लगा कि आपने ट्रेनिंग करी अभी वर्तमान में क्या, या शुरू से ही? देखिए, हिंदुस्तान के हर रक्त में संस्कृति रची बसी हुई है और गरबा हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का मूल में है, इसलिए ये तो स्वाभाविक रूप से है। मैंने कहीं इसकी अलग से ट्रेनिंग नहीं ली। आज गरबा उत्सव आयोजन रखा गया है, गेट पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था, साथ में सबकी आइडेंटिटी जांच की जा रही है, शासन की पूरी गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है, क्या गरबा में कोई प्रतियोगिता भी आयोजन हो रही? प्रतियोगिता इन बच्चों की इसी में संस्कृति से जुड़ी ही स्पर्धा है कि आप देवी की उपासना कितनी जोर शोर से, शक्ति से, उत्साह से करेंगे, उसी में से उनकी उपासना को चिन्हित करके उनका उत्साह वर्धन किया जाए। कितने बच्चे इसमें सम्मिलित हो रहे?
150 करीब स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यहाँ भी आज शक्ति की उपासना के लिए। क्या इनको पहले से आपने ट्रेनिंग कार्यक्रम के माध्यम से? बच्चे तो उत्साहित रहते ही हैं क्योंकि ये जो आयोजन है पूर्व में ही हमारा निर्धारित हो जाता है कि नौ दुर्गों के टाइम पर हम शक्ति उपासना करते हैं, तो बच्चे अपनी तैयारी में। आज कार्यक्रम में नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी द्वारा बढ़िया डांडिया खेला गया, क्या इन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा? बिल्कुल, ये उनकी संस्थान है, उनके लिए विक्रमादित्य का सर्वोपरि सम्मान आपका।